नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। टाइम फ्रेम जान सकते हैं, लेवल्स भी जान सकते हैं। जैसा कि कल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा था कि मार्केट में मिक्स में जो है कुछ हमको डाउन साइड की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो आज भी हमने देखा कि हमारी कही हुई बात जो रही पूरी सत्य निकली। और हमने देखा कि निफ्टी कम से कम 250 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी भी जो है 600-650 पॉइंट तक ये गिरा। तो इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ही आपको केवल ऐसे व्यू मिल सकते हैं, और इसके अलावा ऐसी और कोई विद्या या ज्ञान नहीं जो आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। और जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में जो ऑफ़र निकाला जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उसको लेने का जो ऑफ़र निकाला है उसे ज़रूर लें और देखें कि ज्योतिष कैसे काम करती है। और सारी एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं के आधार पर ही जो है रिपोर्टें आपको बनाकर दी जाती हैं। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों के कहने पर ही यह ऑफ़र भी निकाला गया है। तो जो लोग भी और जुड़ना चाह रहे हैं तो आप 15 अगस्त के पहले तक जो है ज्वाइन हो सकते हैं। इसी नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कार्यालय के नंबर पे और ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम जैसा कि आज के मार्केट के लिए भी गोल्ड सिल्वर में डाउन के योग कहे गए थे, तो हमने देखा कि गोल्ड भी गिरा और सिल्वर भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस प्रकार से जो भी एस्ट्रोलॉजी की गणनाएं निकाली जाती हैं वे बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कई वर्षों के जो है ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतलाती हूँ, और लेवल्स भी हमारे बड़े सही और सटीक काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो है बुधवार के मार्केट में यानी कल के मार्केट में ग्रह क्या पोजीशन बना रहे हैं, क्या आपका राशिफल रहने वाला है, और जो है क्या आपकी इस जो है ग्रहों के अनुसार कल मार्केट की स्थिति बन सकती है। तो जैसा कि और इसके साथ 16 अगस्त से सूर्य का जो है राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका शेयर बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपका राशिफल रहेगा, वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम पंचांग ही देखेंगे क्योंकि सारी गणना पंचांग पर आधारित होती है। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, मार्केट का यदि हमें रुख सही समझ में आ जाता है तो निश्चय ही आप मालामाल हो सकते हैं। और रुख यदि समझ में नहीं आता है और आप बार बार बाय या पुट का कॉल या सेल करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पैसा भी ख़राब होता है और हानि की हानि भी उठानी आपको पड़ती है। तो इसलिए जब तक मार्केट का पूरा ज्ञान ना हो मार्केट में काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जो है सावधानी पूर्वक ही हमें मार्केट का पूरा रुख और ज्ञान होना चाहिए, तभी हमें मार्केट के काम करना चाहिए। और इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि हमारा बुधवार का मार्केट क्या कह रहा है। तो 14 अगस्त 2024 बुधवार का दिन रहेगा, तिथि नौमी रहेगी, इसके साथ जो है अनुराधा नक्षत्र रहेगा आपका 12:12 तक। इसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आ जाएगा, कल भी वृश्चिक राशि का प्रभाव पूरे दिन में देखने को मिलेगा। और यदि हम भेद देखेंगे कल तो अनुराधा में विशाखा, भरणी और अश्लेषा का भेद हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ ज्येष्ठा में अश्विनी, स्वाति और पुष्य का हमको जो है भेद देखने को मिलेगा। तो इनके प्रभाव से कल मार्केट में ज़बरदस्त स्थितियां हमको देखने को मिल सकती हैं, और वह स्थिति क्या बनेगी वो मैं आप लोगों को आगे बतलाऊँगी। सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे कि आपका राशिफल क्या कह रहा है। तो कल यदि हम मेष राशि वालों के लिए देखेंगे तो मिश्रित स्थिति बन सकती है, हानि के ही योग समझ में आ रहे हैं, सोच समझ के काम करें। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं, मिथुन राशि वालों के लिए पूर्ण हानि समझ में आ रही है, कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं, सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित योग हैं, कन्या राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं, तुला राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं, वृश्चिक राशि वाले के लिए पूर्ण हानि है, धनु राशि वालों के लिए पूर्ण हानि के योग बन रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ के योग हैं, इसके साथ कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं और मीन राशि वालों के लिए जो है लाभ के योग बन रहे हैं। तो जिन भी राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं ऐसे सभी लोग जो हैं कार्य करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन जिनको हानि है वह बहुत ही सोच विचार के समझ के काम करें। और यह राशिफल 70 से 80% तक सही जाता है,
सही राशि फल जो है आप अपनी जन्म पत्रिका से दिखला सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कल के मार्केट में ग्रह क्या स्थिति बना रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि सारी गणना हमारी एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो है डिस्क्लेमर पढ़ना अति अनिवार्य है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज के लेवल से भी जो निकाले गए थे सारे 50,000 जो है 50 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकाला गया था, मार्केट ने निकाला। इसके साथ जो है फर्स्ट लेवल जो है इनका हाई का लगा और इस प्रकार से बैंक निफ्टी का 24,140 तक का मैंने लेवल डाउन के लिए निकाला था। तो सारे लेवल्स जो हैं सुपर हिट रहे। आज के भी गोल्ड का भी मैंने निकाला था 70,833, यह भी जो है हाई के लिए यहीं तक लगा और इसके साथ डाउन में 70,000 जो है 454 तक का है और इससे आगे भी जा सकता है। लेकिन यह है जब वीडियो बन रहा था उस समय की गणना मैं आपको बतला रही हूँ गोल्ड की। तो इस प्रकार से जो गणना निकाली जाती है, जो लेवल्स निकाले जाते हैं, मार्केट उनको हिट करता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कल का आपका मार्केट हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कल की ग्रह स्थिति यदि हम देख रहे हैं तो अनुराधा नक्षत्र है, क्योंकि कल दो नक्षत्रों का परिवर्तन है। तो विशेष प्रभाव कल मार्केट में देखा जा सकता है, यानी कि दोनों दो तरफा की स्थिति, कल दो तरफा की चाल हमको समझ मार्केट में आ सकती है। तो कल मार्केट में सोच समझ के ही काम करें और थोड़ा बहुत पॉजिटिव की संभावना भी मार्केट दिखला सकता है, ऐसा ग्रह योग से जो है अनुमान एक जानकारी जो व्यू बन रहा है वह मैंने आप लोगों को बतलाया। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप कंपनी कुंडली एनालिसिस भी करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, जिस भी कंपनी के आप शेयर लेना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। इसके साथ अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं और जो ऑफर चालू है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ज़रूर जुड़िए और देख उस जो है अनुभव कीजिए ज्योतिष के ज्ञान का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।